इस वेले की वड्डी खबर पंजाब महिला कमिशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी नूं अहुदे तों हटा दिता गया। जो एक्सटेंशन उन्हां नूं मिली हुई सी उसनों वापस लै लिया गया। तो इस वेले की वड्डी खबर आ रही है जो महिला कमिशन की चेयरपर्सन ने मनीषा गुलाटी उन्हां जो कार्यकाल है पहले ही खत्म हो चुकिया सी, उन्हां नूं एक्सटेंशन दिती गई सी ते हुण एक्सटेंशन नूं वापस लै लिया गया है। होर ज़्यादा समय तक अपने अहुदे दे उपर वह नहीं रहणगे, एक क्लीयर किया गया है। तो नवे चेयरपर्सन की वास्ते जो उम्मीदवार ने उन्हां नूं सद्दा भी दे दिता गया है। दस दिए कि पंजाब महिला कमिशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी नूं अहुदे तों हटाया गया है। मनीषा गुलाटी का जो कार्यकाल सीगा टर्म सीगी उसनूं पंजाब सरकार ने 18 सितंबर 2020 नूं वधाया सीगा। सोशल सिक्योरिटी वूमन एंड चाइल्ड विभाग के वलों जारी आदेशों के मुताबिक सरकारी नियमों में किसी तरीके का अजिहा नियम नहीं सीगा कि उन्होंने कार्यकाल नूं दूजी बार वधाया जा सके। इस कारण उन्होंने चेयरमैन बनाउण दे जो आदेश ने उन्होंने सरकार दे वल्लों वापस लिया गया। 2020 दे विच इह आदेश दिते गए सीगे जिसके चलते हुण इन आदेशों नूं वापस लै लिया गया। दस दिए कि पंजाब महिला आयोग की जो चेयरपर्सन रहे ने मनीषा गुलाटी वह पहला कांग्रेस के विच सीगे, जिन्हां ने कांग्रेस नूं अलविदा कह के बीजेपी का दामन फड़ लिया सीगा। कांग्रेस छड्डदे ही उन्होंने सीएम जो उस वक्त सीगे चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने उपर निशाना भी साध्या सी, कहा सीगा कि उन्होंने जो डिग्निटी है उसनों हर्ट किया गया सी हिंदू होने के कारण उन्होंने निशाने पर लिया गया। तो इस तरीके के जो इल्ज़ाम ने मनीषा गुलाटी के वलों लगाए गए सीगे, तो उसके बाद जो है इन्हों जो एक्सटेंशन मिली हुई सी 2020 उसनों हुण सरकार ने वापस लै लिया है। जो उस वक्त की वड्डी खबर आ रही है जो ये ऑफिशियल जो ऑर्डर ने वह जारी कर दिए गए ने। तो मनीषा गुलाटी का जो कार्यकाल 18 सितंबर 2020 उस आदेशों नूं सरकार ने वापस लै लिया। तो मनीषा गुलाटी हुण पंजाब महिला कमिशन के चेयरपर्सन नहीं रहे ने। इस वक्त की वड्डी खबर ये ऑफिशियल ऑर्डर है जिहदे विच सीधे तौर के उपर जिक्र किया गया है कि सरकार इन्हों आदेशों वापस लेंदी है जो जिन्हों के मनीषा गुलाटी के कार्यकाल दूजी बार वधाया गया। सीधे तौर के उपर लिखा गया कि जो अमेंडमेंट की गई सी वह नियमों के मुताबक सही नहीं सीगी। 3 साल के वास्ते जो कार्यकाल होंदा है वह रहिंदा है किसी भी चेयरपर्सन का, तो उसनों इस तरीके दे नाल अगे जो दूजी बार वधाया गया वह सही नहीं सीगा। इस दे चलते पंजाब सरकार दे वल्लों हुणे आदेश वापस लै लए गए ने। नाल दी नाल जो विज्ञापन हुंदा है कि जो होर योग उम्मीदवार ने उन्हां नूं सद्दा भी दिता गया इस विज्ञापन के जरिए। तो 18 तरीक 9वां महीना 2020 नूं जो ऑर्डर दिते गए सीगे कार्यकाल वधाउण दे एक्सटेंशन देण दे, उन्हां नूं इस ऑर्डर दे जरिए वापस लै लिया गया है सरकार दे वल्लों जो मनीषा गुलाटी दे बारे उन्हां दा कार्यकाल वधाउण नूं लैके दिते गए सी। इस वक्त की वड्डी खबर कि मनीषा गुलाटी हुण पंजाब महिला कमिशन दे चेयरपर्सन नहीं रहे ने, उन्हां नूं अहुदे तों हटा दिता गया। बेहद ज़्यादा हाईलाइट होए मनीषा गुलाटी, शायद ही इस तों पहलां कोई चेयरपर्सन होवे महिला कमिशन जो इस तरीके दे नाल चर्चा दे विच आए सीगे। वड्डे केसिस की गल करिए तो उसनों लैके वध चढ़ के लोगों के पहुँचते हुए मनीषा गुलाटी नज़र आए। सोशल मीडिया के उपर उन्हां दी पॉपुलैरिटी लगातार वधदी जा रही सी ते हुण मनीषा गुलाटी नूं अहुदे तों हटा दिता गया। मेरे सहयोगी विनीत फोन लाइन ते मौजूद ने। विनीत, की कुछ सरकार ने ऑर्डरां दे विच किया जो एक्सटेंशन वापस लै ली गई है? बिल्कुल, देखो सीधे तौर पर अगर मनीषा गुलाटी की गल करिए, जिस ढंग के लगातार 2 बार मनीषा गुलाटी जिहड़े ने अपने अहुदे ते काबिज होंदे नजर आए थे, उन्होंने जिस ढंग के कार्यकाल पूरा होया थी, उस तो बाद उन्होंने 2020 दे विच एक्सटेंशन दे दी गई थी। कांग्रेस सरकार दे विच उन्होंने एक्सटेंशन दी गई थी, हुण भगवंत मान सरकार बनी ते इस एक्सटेंशन नूं लैके सवाल किए गए कि लगातार 2 बार एक अहुदे दे उपर एक व्यक्ति किस तरह काबिज हो सकता है, किस तरह उन्होंने एक्सटेंशन दी गई, क्यों इस दे लई कोई होर जिहड़े कह सकदे आ कैंडीडेट उन्हां दा चुनाव नहीं कीता गया। इस नूं लैंदे होए जिहड़ी एक्सटेंशन पिछली सरकार ने दित्ते सी, उस एक्सटेंशन नूं वापस लैण दा फैसला जिहड़ा ओह सरकार ने लै लिता, एक्सटेंशन वापस लै लिती गई है। यानी स्पष्ट लफ्ज़ां दे विच भगवंत मान सरकार दी तरफों मनीषा गुलाटी नूं उन्हां दे अहुदे तों बरखास्त कर दिता गया, अहुदे तों कढ दिता गया, क्योंकि एक्सटेंशन खत्म कर दिती गई है। ते हुण मनीषा गुलाटी जिहड़े ने ओह टैक्निकली अपने अहुदे ते काबिज नहीं रह सकणगे। हुण नवे जिहड़े चेयरपर्सन ने वुमेन आयोग दे, उन्हां दा चयन होगा, देखण वाली गल रहेगी कि हुण किस नूं अहुदा दिता जांदा है जिहड़े महिलावां दी सुरक्षा लई
ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੌਣ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਦਾ, ਕੌਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਫਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।